गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाओ जल्दी से। सुबह के 6 बज चुके हैं और आपका डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का क्लास शुरू हो चुका है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। दोस्तों, नर हो या नारी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो सफलता खुद आती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ आज की शुरुआत करते हैं क्लास। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तीसरा भाग होगा और डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर क्लास का ये 9वां भाग होगा, 9th नंबर है ना। 9th है कि 10th है? 9th है, ठीक। तो इसके पहले थर्ड सेमेस्टर में 8 क्लास हो चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जो 7वां क्लास 6वां क्लास हुआ था, 6वां के बाद ये होगा, चूँकि 7वां जो है रिवीजन का था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए थे और 8वां में आपको मास्टर क्लास दिखाया गया था, तो कुल मिलाकर के 6ठा के आगे आज चलेगा। मतलब समझना एक तरफ से, लेकिन देखना है आपको, ठीक। चलिए, तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि उसी से रिलेटेड है। कह रहा कि 600 रुपये, ये रुपया लिखा हूँ मैं, ठीक, अपने लिख लेना। 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो ब्याज बताइए, इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटा 100। एकदम बेसिक फार्मूला होता है ये। डीएलएड का क्लास है, एकेडमिक लेवल, एक प्रकार से कहने का मतलब इसमें आपको विस्तृत हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं बताने वाले हैं कि भट से आंसर आ जा, झट से देख लो, ठीक। अब आप यहाँ पर लगाने का तरीका, ये तो फार्मूला मैंने पहले लिख दिया, लेकिन सवाल लगाने का तरीका आप समझ लीजिए, मैथ में आसानी होगी। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए दिया है, इधर साइड लिख देता हूँ, दिया है। और क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है, कितना दिया है, 600 रुपया, ये रुपया का चिन्ह होता है, अच्छे से बना दिया हूँ। समय क्या दिया है, 3 वर्ष। कह रहा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो दर क्या है, 6%। निकालना क्या है, साधारण ब्याज। चलो ठीक है, इतना बहुत अच्छा है। अब देखिए, मूलधन क्या है, 600 रुपये है, रख दो जो भी दिया गया है, 600 हो गया, गुणा दर जो है यहाँ पर देखो 6% है, समय है 3 वर्ष, बस इसी को हल कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6×6=36 और 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक। गुणा कर लो, 3×6=18, 3×3=9=10, यानी कि ब्याज कितना हो गई, 108 रुपये। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी के पेज को लाइक कर दें तुरंत, जिससे अगली क्लास देख पाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। साथियों, हमारी कोशिश ये होती है अब कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएं, और यही उद्देश्य से हम आपको जल्दी से सवाल दिखा देते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया है, तो मूलधन बताइए। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, कंपाउंड अमाउंट जो है वो दिया गया है, और इंटरेस्ट रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, कैसे निकालेंगे मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है और बाकी सब पता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 पे, चूंकि देखिए आप परसेंटेज वगैरह 100 पे निकालते हैं ना, तो इसको हम 100 मान लेंगे, 100 पर निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखिए, माना मूलधन इक्वल 100 रुपया। चूंकि आप जानते हैं कि मूलधन और मिश्रधन में क्या संबंध होता है, इसको इधर साइड में लिख लो जल्दी से, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज इक्वल क्या होता है, मिश्रधन होता है, ये क्या है, सूत्र है, ठीक। तो फार्मूला तो आपने लिख लिया, अब उसी पर हम चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ से देखिए ध्यान से।
मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, तो अब ये बताओ अगर 100 रुपये मानेंगे, ब्याज 6% है, तो 100 रुपये पर ब्याज कितना रुपया मिलेगी? यहाँ पर लिखिए 100 रुपया पर एक वर्ष का ब्याज कितना है? 6 रुपया है ना। कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष का। देखो अभी वहीं चलेंगे, ध्यान से देखना। फिर क्या लिखेंगे? अब 100 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखो 1 वर्ष का 6 है, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 12 रुपया, है ना। 12 रुपये हो गया। अब ध्यान से समझना, जब 2 वर्ष का ब्याज 12 रुपये हो गया, तो मिश्रधन कितना होगा? बोलो जल्दी से बताओ, मिश्रधन कितना होगा? यहाँ पर लिखिए मिश्रधन बराबर, जोड़ दीजिए ब्याज को मूलधन में, अतः मिश्रधन इक्वल मूलधन, यानी कि जो 100 हमने माना था और 12 ब्याज, इक्वल 112 रुपया। अब ध्यान से समझना, आंसर आपके सामने आ चुका है, बस थोड़ा सा ही दूर है। यानी कि जब 100 रुपया मूलधन था, तो मिश्रधन 112 रुपया आया है, और रियल में क्वेश्चन में मिश्रधन 560 दिया है। इसका मतलब 112 की जगह 560 कब आएगा? जब ये मूलधन काफ़ी ज़्यादा होगा ना। और ज़्यादा कैसे होगा, कितना होगा, ये सब कुछ विचारना नहीं, केवल एक तरीके से चलना है। अब लिखिए, चूंकि 112 रुपया मिश्रधन है, इतना लिख लीजिए, तो हम बताते हैं, चूंकि इसको मिटाना पड़ेगा। हो गया ना इतना? नीचे अभी दिख रहा है, तो एक लाइन और लिख देते हैं, लेकिन जमेगा नहीं एक लाइन और लिखने से। इतना हो गया, लिख लिए। वीडियो को रोक करके तुरंत लिखिए, रोकिए। हो गया, अब लिखिए। देखिए ये अलग अलग भाग था, अगर इसी में हम थोड़ा सा उधर उधर कर देंगे ना, तो फिर समझ में ना आएगा। अब लिखिए आप नीचे, चूंकि, अरे ऐसे चिन्ह बनाते ना, देयर फोर 112 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन कितना है? 100 रुपया, बोलो है ना। 112 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन 100 रुपया, इसलिए क्या 1 रुपया मिश्रधन है, वही जैसे आप निकालते हैं कम से ज्यादा वाला, 1 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो कितना हो जाएगा। अरे एक एक नियम वाला पढ़े हो ना, तो ये हो जाएगा 100/112 रुपया। मतलब कि अगर 112 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन 100 रुपया, अभी आपने देखा था कैसे आया था। तो अगर 1 रुपया मिश्रधन होगा, तो मूलधन कितना होगा? 100/112। इसलिए अब आ गया आपका आंसर, 560 रुपया मिश्रधन है। देखो 560 दिया है ना, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 100/112 गुणा ये हो जाएगा 560। काट दीजिए, आप जानते हो कि 14 से कट जाएगा, 14 8 112 ना, और 14 चौका 56, 0। बात समझ में आई? इसको 8 से काट दो, 8 1 8 और 8 5 40, या फिर 112 से काटते तो 5 बार में वैसे भी कट जाता, 100 का गुणा कर लो 5 में, फाइनल में आपको मिलेगा कितना? 500 रुपये। बात समझ में आई? देखिए समझाने में 2 4 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे, तो खुद से कभी भी कर सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके पहले जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दें, तुरंत देर ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखना, बहुत गौर से समझना। कह रहा कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि इंटरेस्ट रेट निकालना है, 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन, यानी कंपाउंड अमाउंट जो है, वो 3 गुना हो जाएगा। बताइए, रेट बताना है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन का जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन बिना मूलधन के मिश्र धन बनेगा कैसे जी? पहले मूलधन आना चाहिए। आखिर अगर आपने कोई धन ना उधार लिया ना उधार दिया, मतलब सॉरी दिया नहीं, मतलब आपने कोई धन ना उधार लिया है, मतलब कोई कर्जा उधार नहीं लिया, तो फिर आप देंगे क्यों किसी को, है ना। तो पहले मानेंगे मूलधन, यहाँ पर लिखिए माना मूलधन
मूलधन मतलब जानते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल कितना, 100 रुपया। अक्सर 100 रुपया पर मान करके आप लगाएंगे, सब आसानी से आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न अनुसार लिख लीजिएगा, कह रहा कि किसी धन का मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब मिश्रधन कितना होगा अगर मूलधन 100 है तो? मिश्रधन इक्वल क्या होगा? कह रहा मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। मूलधन 100 है, 100 का 3 गुना कर लो तो 300 रुपया। अब बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना चाहे तो, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 3, फिर 100 गुणा 3 बराबर 300 बना लेना, ठीक ना? ये तो यहाँ पे लो मैं लिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा 3 इक्वल 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपया। इतना समझ में आया ना? तुरंत मत छापा करिए कि जैसे हमारे हाथ से निकला फट से छाप लिए कॉपी में, फिर हम मिटा दिए तो आप गोंच दिए, ठीक ना? ऐसा मत किया करिए, बाद में भी लिख सकते हो, कहीं भागेगा नहीं वीडियो, ठीक ना? फिर से देख लेना दोबारा से। तो ये इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, हमें ब्याज की दर निकालना है, यानी कि हमारा पास क्या आ गया, 300 रुपये आ गया, वो क्या है, इसका मिश्रधन हो गया 300 रुपये। अब आप गौर से समझना, यहाँ पर ब्याज कितना होगा फिर? देखो भाई मूलधन आ गया, मिश्रधन आ गया, तो ब्याज क्यों छूटेगा पीछे? आप जानते हो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये ब्याज का सूत्र होता है कि नहीं? होता है ना? तो बराबर आगे कर लो, मिश्रधन है 300 रुपया माइनस 100 रुपया है ना मूलधन, 100 इक्वल कितना हो गया, 200 रुपया। यानी कि जो ब्याज आया टोटल कितना आया, 200 रुपया। और ये कितना दिन का ब्याज है, ये टोटल 10 वर्ष का है, यानी कि 10 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, नीचे दिख तो रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बता देना बिना किसी टेंशन के, ठीक ना? अब नीचे एक लाइन लिखना है, लेकिन इसको हम मिटाएंगे, नोट कर लिए या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिखिए, हो गया? चलिए देखिए, जब हम बोला करें तो वीडियो को या तो आप रोक लिया करिए, अगर आपको लिखना उखना है तो, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फिर तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करें, हम आपको 5-7 सेकंड का टाइम देते हैं, उतना देर में आप कर सकते हो, ठीक? हाँ, अब कितना आया था हमारा ब्याज, कितना आया था, 200 रुपये। अब यहाँ आप नई लाइन से लिख लीजिए, चूँकि 100 रुपया पर, लिखिए चूँकि 100 रुपया पर 10 वर्ष का ब्याज बराबर 200 रुपया। 100 रुपया पर 10 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 200 रुपया। इसलिए 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? देखो मतलब समझना, अगर 10 वर्ष का 200 रुपया है, कोई भी चीज़ मान लो 10 वर्ष में 200 रुपये होती, तो 1 वर्ष में कितना होगी, उसी का 10 गुना कम हो जाएगी, यानी कि ये 200/10 हो जाएगा, काट दोगे बराबर क्या आएगा, 20 रुपया। मतलब क्या आ गया, 20 रुपया आ गया ना, 20 क्या आ गया, रुपया आ गया। मतलब यहाँ से अब आप समझ गए, आंसर हो गया 20, लेकिन 20 रुपये आंसर नहीं हुआ। ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर बराबर 20%। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि 20% होगा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर 10 वर्ष में 200 रुपया का ब्याज हो रहा था, तो 1 वर्ष में कितना होगा, उसी का 10 गुना कम हो जाएगा, और जब हम 10 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से 20% आ गया। एक बार फिर से सवाल को देख लीजिए, कह रहा कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्रधन यानी कि कंपाउंड अमाउंट जो है वो 3 गुना हो जाएगा, तो 20% अगर ब्याज की दर होगी तो वो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, हम बार बार बोलते हैं बीच में कि बीच में स्किप ना करें, कहीं भी आगे पीछे करके ना देखें, एक तरफ से देखें, तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां नंबर, कह रहा कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्ञान निकालना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। यदि मूलधन 100 रुपये है, समय 1 वर्ष है तथा मिश्रधन 107 रुपया है, इसमें तो उत्तर दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि जो कोई भी चीज़ का अगर परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100 पे ही निकलता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, है ना? तो अगर यहाँ पर मिश्रधन दिया है, आप देखो तो ब्याज भी आपके सामने आ जाएगा, है
है ना, पहले आप ब्याज निकाल लीजिए। देखो ब्याज बराबर आप जानते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर लेंगे तो हमें मिलेगा 107 माइनस 100 बराबर 7, मतलब 7 रुपये की ब्याज मिल रही है। कितने में दिन में मिल रही है, 1 साल में मिल रही है, और कितना रुपया पर, 100 रुपया पर। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये 100 का कितना है, 7% है, 100 का 7% है, यानी कि यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि दर कितनी थी ब्याज की, 7% थी। अक्सर आप देखते होंगे जो आप लोग जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, जिसमें फिक्स किया जाता है, उसमें 7 से 7.5% तक का ब्याज मिलता है अगर आप 1 साल के लिए फिक्स करते हैं तो। नॉर्मल खाते में आप देखते होंगे 3.5% के लगभग ब्याज मिलता है, जो सेविंग अकाउंट होते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे आपने देखा था इसके 2 क्वेश्चन पहले हमने बताया था, सेम टू सेम वही सवाल है। इसको आप होमवर्क करेंगे घर से, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब सब हम ही नहीं लगवाएंगे, ठीक, कुछ खुद से कोशिश करो। किस वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। अभी हमने आपको 3 गुना वाला करवाया था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और PVR स्टडी को फेसबुक और अनएकेडमी पर फॉलो और लाइक करें, जिससे आप फ्री की क्लास भी देख सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां नंबर, ध्यान से देखना। कह रहा कि एक किसान ने 2400 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। कितना लिया था, 2400 रुपये उधार लिया था, यानी कि मूलधन कितना है, 2400 रुपया। फिर आगे क्या होता है, उसने 1/2 वर्ष बाद, देखो अभी उससे टेंशन मत लेना, सही बटा वाले से, उसको अभी हम सरल कर देंगे, 1200 रुपये और एक गाय दे करके उधार को चुका दिया, तो गाय का मूल्य बताइए। देखिए आज के समय में गाय का मूल्य तो ख़त्म हो चुका है, फ्री में भी लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छी कीमत होती थी, और हम लोग भी 20-20 हज़ार की गाय खरीद के लाए, लेकिन आज उनकी कीमत कौड़ियों में भी नहीं। चलिए ये बात हम देखते हैं क्वेश्चन वाली, उसको जाने दीजिए। मूलधन हमारे पास कितना है, 2400 रुपया है, और दर कितना है, 12% है। समय कितना है, जो भी दिया लिख लीजिए बस, 2 सही 1/2 वर्ष, इससे टेंशन नहीं लेना, जो भी लिखा है, 2 × 2 = 4 = 5, यानी कि 5/2 वर्ष आएगा ये, इसे आप कह सकते हैं 2.5 वर्ष, लेकिन कुछ करना मत, अभी ऐसे ही रख देंगे, आंसर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गाय का मूल्य कब निकाल सकते हैं, ध्यान देना, 1200 रुपये जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं, उसको कहीं नहीं लिखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो 2400 रुपये तो लिया था, और 12% ब्याज भी उसकी लग रही थी, और 2.5 वर्ष बाद वो कितना रुपया लौटाना था, मतलब उसको, अगर हमें ये पता होगा तो हम जान जाएंगे कि 1200 रुपये नगद दिया था, बाकी जो बचा वो गाय का मूल्य हो गया। तो हमें पहले कुल ब्याज मालूम होना चाहिए, है ना, जब कुल ब्याज मालूम हो जाएगा तो उसको 2400 में जोड़ करके हम निकाल लेंगे कि कुल कितना धन उसको वापस करना था, और फिर जितना वापस करना था उसमें से 1200 घटा देंगे, चूँकि ये नगद दिया 1200, जो बचेगा गाय का मूल्य हो गया, है ना, कितना आसान। तो चलिए लगा लेते हैं। आप जानते हो कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या होता है, 100, ये आपका सूत्र होता है। तो मूलधन कितना है, आप देख रहे हो 2400 क्या है, मूलधन है। दर कितना है, दर मतलब वही रेट, 12% है। समय कितना है, 5/2 वर्ष है, है ना, कितना आसान। कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, इक्वल ये क्या बचा, देखो 2 से ये भी कट गया, 2 × 6 = 12, गुणा कर लेना आपको, ऊपर 24 बच रहा है, 6 × 5 में करोगे 30 हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पर 30 लिख सकते हैं इस तरह से। अगर इसे कंप्लीट हल करेंगे तो 24 × 3 = 72 होता है ना, तो ये हो जाएगा 720 रुपया, मतलब कि जो कुल ब्याज लगी 2.5 साल में कितना लगी, 720 रुपया लगी, है ना। तो अब देखना उसको कुल लौटाना कितना था, अब ये थोड़ी कितना ब्याज लौटा दिया, काम हो गया, 2400 तो नगद लिया था ना, तो कुल वापस करने योग्य राशि लिखिए, चाहे तो आप मिश्रधन लिख लीजिए यहाँ पर आगे, लेकिन हम इसको इसी की भाषा में लिखेंगे, इसको नोट करिए, जितना हुआ हो गया, वीडियो को रोक लीजिए तुरंत, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। याद रखना है कि 720 रुपये क्या आया है, 720 रुपये आ गया ब्याज। अब लिखेंगे कुल वापस करने
योग्य राशि या फिर मिश्र धन, क्या हो जाएगा वो? मूलधन धन ब्याज। तो आप जानते हैं कि मूलधन आपके सामने दिख रहा है 2400 रुपया, और ब्याज आया है 720 रुपया। जोड़ेंगे तो कुल 3120 रुपये उसे वापस करना था, 3120 रुपये। अब क्या करेंगे, लिखिए, नगद वापस राशि। नगद कितना वापस किया इसमें से? 1200 रुपये वापस किया। नीचे लिखिए गाय का मूल्य। देखो अब आपके सामने आंसर आ गया ना, नगद जितना वापस किया फिर जो बचा वो गाय का मूल्य हो गया। घटा लीजिए तो 0, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1। यानी कि वो गाय कितने की थी? 1920 रुपये की गाय थी, प्लस 1200 रुपये नगद दिया। इस तरह से वो 2.5 वर्ष में 2400 रुपये के बदले 3120 रुपये चुकाया। यही दुर्दशा है किसानों की, है ना? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखना, लास्ट सवाल है ये। आप लोगों ने देखा कि अभी हम जब दिल्ली गए हुए थे, वहाँ से हमने आपको काफ़ी वीडियो दिखाए थे, लाइव भी दिखाया हुआ था, और कुछ ऐसे वीडियो भी दिखाते हैं जब घर जाते हैं। तो कुछ लोगों का सजेशन था कि सर इसके लिए अलग चैनल बनाया जाए, तो PVR STD ब्लॉग चैनल पे आप इस सब को देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जिससे आपको ये पता चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और क्या कैसे कब हो रहा है, सब आपको मालूम चलता रहेगा। इसलिए आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही लोगों ने ये चैनल बनाया हुआ है, ठीक ना? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। कह रहा कि करीम बाग लगाने के लिए 15,000 रुपये बैंक से लोन लेता है, मतलब ऋण लेता है। कितना लेता है? 15,000 लेता है। आगे क्या कंडीशन है इसमें? बैंक क्या कर रहा है कि पौधों की खरीद के लिए ली गई राशि का 20% छूट देता है, मतलब आप जितना भी ले रहे हो उसका 20% राशि पर ब्याज नहीं लगेगा। शेष राशि पर 9% का ब्याज बैंक लेता है, मतलब देना पड़ेगा 9%। पूछा क्या है फिर आगे? 4 वर्ष बाद करीम कितना धन बैंक को वापस करेगा? इसको कैसे समझेंगे? ध्यान देना और मतलब समझना कैसे होगा। देखिए पहले आप ये निकालेंगे कि करीम को ब्याज कितना रुपया पर देना है। 15,000 रुपये पर नहीं देना है, क्योंकि 20% राशि क्या है? ब्याज मुक्त है। तो आप लिखिए पहले सीरियल में कुल उधार ली गई राशि। कितना ली गई? कुल उधार ली गई राशि बराबर कितना है? 15,000 रुपया। इतना समझ में आया? अब लिखिए ब्याज मुक्त राशि, मतलब कितना राशि पर ब्याज नहीं लगेगा, वो क्या है? 15,000 का 20% का मतलब होता है गुणा। तो लिख देते हैं एक लाइन और, क्यों, चलिए शॉर्ट नहीं करेंगे। 15,000 का 20% क्या होगा? जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। अब ये कितना राशि होगा ये हम आपको इसी दिखा देंगे इसी सेशन में, ध्यान से देखना, पूरा देख लेना। ये राशि अगर आप निकालना चाहोगे तो आपके सामने आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? 15,000 × 20 बटा क्या हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से इधर काट दो, 1 जीरो से इधर, इस तरह से गुणा करेंगे तो 3,000 रुपया हो गया, है ना? मतलब कि 3,000 रुपये पर क्या है? ब्याज नहीं लगेगा। बात समझ में आई? अब लिखिए ब्याज दे, युक्त राशि, मतलब कितनी राशि पर ब्याज पड़ेगा, वो हो जाएगा 15,000 माइनस छूट, छूट है कितना का? 3,000, इक्वल हो गया 12,000। मतलब कि मूलधन कितना आया? मूलधन 12,000 रुपये आया। 15,000 नहीं रखोगे मूलधन, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिख लीजिए ये आपका नया मूलधन मिल गया, कितना? 12,000 रुपये। बस इसी 12,000 रुपये का प्रयोग करके आपको ब्याज निकाल लेना है, फिर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? क्लास को पूरा देखना, अभी भी हम बोल रहे हैं, मिटाएं। चलिए वीडियो को पीछे करके लिख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई सीख के नहीं आता पहले से, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे एक तरफ से तो सब आएगा। अब देखिए हम इसको लगाएंगे कैसे, मूलधन मिल गया कितना? 12,000 रुपये। दर कितना है ब्याज की?
9% है, ध्यान देना, 20% की छूट मिल रही, उससे मतलब नहीं है। समय कितना है? 4 वर्ष है। कह रहा कि कुल कितना धन बैंक को वापस किया जाएगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, फार्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या हो जाएगा, 100, है ना। तो ये हो जाएगा मूलधन 12,000 रुपये, दर है कितना परसेंट की, 9% की है, समय है 4 वर्ष, 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुणा 36। आप सभी जानते हो गुणा करना, जीरो उतार लीजिए, 12 का गुणा 36 में कर दीजिए। आप जानते हैं कि 12 छंग 72 कि 2 हासिल कितना है, 7, और 12 3 36, 7 36 4 40 3 43, यानी कि कुल ब्याज कितना पड़ेगी, 4,320 रुपया की ब्याज पड़ेगी। तो करीम क्या यही इतना चुका के छुट्टी पा जाएगा? नहीं, बैंक कभी एक पैसा नहीं छोड़ता है। ये तो ब्याज हो गई, जो उसने क्या दिया था, टोटल अमाउंट लिया था, उसको भी तो वापस करेगा। देखो इसमें कह रहा 20% राशि जो है वो ब्याज से मुक्त है, ब्याज नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 20% मुफ्त में दे दिया, आप लेगा ही नहीं, देना तो पूरा पड़ेगा ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए बैंक को वापस देय राशि, या फिर करीम द्वारा बैंक को चुकाए जाने वाला धन बराबर मूलधन यानी कि 15,000 रुपये प्लस ब्याज 4,320 रुपया, जोड़ेंगे आप तो 15 4 हो जाएगा 19,320 रुपया। यानी कि बैंक क्या करेगा, जो 15,000 रुपये दिया है 19,320 रुपये लेगा। बैंक जनता को हमेशा बेवकूफ़ी बनाता है। आप देखते होंगे शहरों और महानगरों में, मेट्रो सिटी में आपने देखा होगा, 3,000 रुपये अगर मिनिमम नहीं है तो हर महीने जो है आपका क्या होता है, हर 90 दिन पर मिनिमम बैलेंस के लिए भी चार्ज काटा जाता है, SMS अलर्ट के लिए भी चार्ज काटा जाता है। आप तो पासबुक प्रिंट कराओगे तब भी काटा जाएगा, 3 4 से अधिक ट्रांजेक्शन किया अलग ATM में तब भी काटा जाएगा। यानी कि हर मोड़ पर आपसे केवल आपके ही पैसे का चार्ज लिया जाएगा, मतलब बैंक ने आपको कुछ दिया नहीं, जो आपने जमा किया उसी में से वो लेगा, वो उसी लिए बना है। और ATM की हालत इतना बद से बदतर है कि आप देखेंगे अक्सर ताला लगा रहता है, या फिर उसमें पैसा नहीं है, या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इसका रीज़न है जनता जो है वो बेवकूफ़ है, वो कभी इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती है, ठीक ना। तो आप लोग समझें और कोशिश करें इस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया जाए। चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, और चलते चलते आपको बता दें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नहीं लिए तो हो गया। देखिए मोबाइल नंबर हम यहाँ पर आपको दे दे रहे हैं, जिन लोगों को डेली क्लास देखना है, टोटल कंप्लीट करना है, घर बैठे वो देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जितना आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो ऑटो का किराया लगेगा, उससे कम पैसे में आप घर बैठे सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं देना है तो बिल्कुल मत दीजिए, यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है उसे आप देखते रहिए। पूरे थर्ड सेमेस्टर के गणित के लिए आपको 599 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जो लोग अभी सितंबर से ही पेमेंट कर रहे हैं और बैंक सर्वर की समस्या की वजह से नहीं कर पाए हैं, उनको सिर्फ 549 रुपये करना है। और जो नए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं डिसाइड किया करने का, उन्हें 549 करना होगा। आपको पहले बताया गया था ये 700 रुपये करना होगा ना 1 अक्टूबर से, लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए 700 यानी कि 699 नहीं बल्कि 599 रुपये ही रखा गया है। और इतने में आपको पूरा कंप्लीट मैथ मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये हर महीने लगेगा? नहीं, हर महीने आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, ये केवल आपको एक बार पेमेंट करना है, और उसके बाद आप पूरा कंप्लीट DLED का थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ पाएंगे। जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर करना होगा हर एक सेमेस्टर के लिए, क्योंकि जो 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी वह एक ही बार के पेमेंट पर सभी सेमेस्टर के लिए थी, है ना, बात समझ में आई। तो जिनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जिनको ना लगे वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, घंटी को बजा दीजिएगा, जिससे आपको सभी फ्री की क्लासें इसी तरह से मिल सकें जैसे आप इसको देख रहे हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कल की क्लास भी चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अगर कुछ बुरा लगा तो माफ़ करिएगा। चलते चलते आपको बता दें ये गूगल पे का भी नंबर है, फ़ोन पे का भी नंबर है, आप इस पर पेमेंट भी कर सकते हो, फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कॉल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा अब से थोड़ा देर बाद, यानी कि 6:30 बजे से, देखिए 6:30 बज भी गया होगा, है ना, तो 6:30 बजे से देखना अगली क्लास।